हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहल्स नुईरा। और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डीआईवाई वीडियोस, होम डेकोर वीडियोस एंड शॉपिंग। और तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डीआईवाई वीडियोस, जो कि हम बॉटल से बनाने वाले हैं। दोनों ही डीआईवाईज यहाँ पे हम सॉस की बॉटल से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डीआईवाई है वो हम टमाटो वाला जो सॉस बॉटल वाला उससे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सॉस का बॉटल लिया है अच्छे से क्लीन करके। उसके बाद हमने कुछ बाम्बू के स्टिक्स ले लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे हॉट ग्लू गम का यूज़ होने वाला है। तो देखिए, बॉटल के ऊपर हम हॉट गम के हेल्प से कुछ इस तरीके से बाम्बू वाले स्टिक्स, सारे ये स्टिक्स जो है यहाँ पे एक एक करके स्टिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हॉट ग्लू का ही यूज़ करना है, क्योंकि पहले मैंने फेविकॉल से भी यहाँ पे स्टिक करके देखा पर ये अच्छे से नहीं हो रहा था। इसलिए आप यहाँ पे अगर आपके पास हॉट ग्लू गम होगा तो उसका ही यूज़ करिए, ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे जो भी बाम्बू के स्टिक्स हैं एक एक करके हम सारे ही पूरे ही बॉटल के ऊपर इस तरीके से स्टिक करते जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे से हॉट ग्लू गम के हेल्प से स्टिक हो जाता है और ये जल्दी सूख भी जाता है। तो इससे क्या होगा ना, आपको ये निकलने का भी डर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से एक एक करके सारे ही स्टिक्स यहाँ पे हम चिपकाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। काफ़ी आसान है और ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक खाली बॉटल चाहिए और ये बाम्बू वाले स्टिक्स चाहिए, तो आप इसको आराम से आपके घर पे बैठ के ही बना सकते हैं। इस तरीके से पूरा ही बॉटल हम यहाँ पे स्टिक लगा के कवर कर रहे हैं और ये डीआईवाई होने के बाद भी काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए, यहाँ पर हमारा पूरा ही बॉटल यहाँ पर रेडी हो गया है। सबके ऊपर हमने यहाँ पर पूरी बॉटल के ऊपर बाम्बू के स्टिक्स जो है लगा दिए। और उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं जूट रोप, जो कि आपको आसानी से किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा। ये मैंने 5 रुपए का लाया था। इस तरीके से आपको ये पूरा ही जूट रोप नीचे से इसको, यहाँ पे आपको जूट रोप जो आता है उसका यूज़ करके नीचे से इसको हॉट ग्लू के हेल्प से इसको स्टिक कर देना है नीचे से। देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न तैयार हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पे ये जो जूट वाला रोप था हमारा, इसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से रोल कर दिया और ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। और एंड वाला जो पार्ट है इसको जितना आपको चाहिए उतना आप इसको लगा सकते हैं। एक पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है इसका यूज़ किया है और एंड वाला पार्ट आपको यहाँ पर स्टिक कर देना है हॉट ग्लू के हेल्प से। इस तरीके से नीचे से हमने इसको लगा दिया और सेम प्रोसेस से हमें इसको ऊपर भी लगाना है। देखिए, यहाँ पे थोड़े वो जो बाम्बू वाले स्टिक्स हमने लगाए हैं उसको अच्छे से हाथ से आपको दबा देना है और इसके ऊपर भी आपको हॉट ग्लू का हेल्प लेके इसको अच्छे से यहाँ से ऊपर भी एक पैटर्न बना देना है। जितना बाम्बू वाला रोप हमने नीचे लगाया था ना, जूट वाला रोप सॉरी, उतना ही रोप आपको यहाँ पे ऊपर भी लगाना है। कुछ इस तरीके से आप इसको राउंड 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 करके यहाँ पे भी एक सेम पैटर्न, जैसे नीचे हमने तैयार किया था सेम पैटर्न आप वहाँ भी ऊपर के साइड भी तैयार कर दीजिए। काफ़ी अच्छा डीआईवाई ये बन जाता है आपका। और देखिए, आपको इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, ये आसानी से भी हो जाएगा और कम खर्चे में भी आपका ये डीआईवाई, सुंदर सा डीआईवाई बना जाएगा। देखिए, एक खाली बॉटल को हमने किस तरीके से ना अच्छे से रीयूज़ किया। एक आपका फ्लावर पॉट भी तैयार हो जाएगा, आप इसको एज अ पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसको और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पिस्ताशु शेल्स आते हैं ना, इनका हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए, इससे जो है हम यहाँ पे फ्लावर्स बनाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वही बाम्बू वाला स्टिक लेना है और इसको जो है हॉट ग्लू के हेल्प से एक 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 करके ये जो आपके पिस्ता के शेल्स है इसको यहाँ पे स्टिक करते जाना है। और जितना बड़ा आपको फ्लावर बनाना है उतना बड़ा आप फ्लावर इसको बना सकते हैं। ये भी काफ़ी सुंदर लगता है बनाने के बाद और वो बॉटल में आप इसको एज अ फ्लावर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर डीआईवाई ये आपका रेडी हो जाएगा एकदम सिंपल तरीके से और आसानी से घर पे आप इसको बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप छोटे बड़े जितना भी फ्लावर आपको बड़ा चाहिए उतना फ्लावर आप एक 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 करके नीचे नीचे उसके करके आपको स्टिक करते जाना है और आपका जो ये फ्लावर ऑटोमेटिक बनते जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने बातें करते करते आपसे कितना अच्छा एक फ्लावर भी यहाँ पे बना दिया। ये हमारा एक फ्लावर तैयार हो गया। इस तरीके से आप अलग अलग साइज के जो है फ्लावर्स यहाँ पे बना सकते हैं।
जितनी भी साइज आपको चाहिए, बड़ा छोटा जो भी आपको चाहिए, आप सिंपल तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए हमारा सुंदर सा DIY यहाँ पे रेडी हो गया। अगर आपको लगता है बीच में थोड़ा कम लग रहा है तो बीच बीच में भी आप इसके इसी तरीके से जो है, देखिए हमारा छोटा सा यहाँ पे फ्लावर जो है रेडी हो गया इस तरीके से ना। बाकी के भी मैं फ्लावर्स यहाँ पे बना दूंगी। देखिए मैंने छोटे बड़े जो भी साइज मुझे चाहिए था सारे फ्लावर्स यहाँ पे बना दिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कोई बोलेगा कि हमने ये पिस्ता के जो शेल्स आते हैं उनका यूज़ करके यहाँ पे बनाए हैं। तो हमारा जो है बॉटल भी रेडी हो गया, उसके बाद उसमें रखने के लिए हमने यहाँ पे फ्लावर्स भी रेडी कर दिए हैं। देखिए दोनों ही हमारे रेडी है। अगर आपको इसको और भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप तो ऐसे भी इसको एज अ डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं घर पे। देखिए इसको इस तरीके से ना आप अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी सुंदर भी लगेगा ये। अगर और डेकोरेटिव अगर आप इसको बनाना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको जो है दोनों को ही आप आपका जो गोल्डन स्प्रे आता है इसका यूज़ करके ना आप इसको अच्छे से स्प्रे करके गोल्डन वाला और भी थोड़ा इसका जो लुक है वो एनहांस कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्डन स्प्रे नहीं है तो आप इसका यूज़ मत करिए, वैसे भी जो है आपका DIY सुंदर ही लगने वाला है। पर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी स्प्रे जो है अवेलेबल था तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है गोल्डन स्प्रे किया और एक दूसरे दिन में सूखने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसका लुक भी काफ़ी सुंदर आ रहा था। देखिए गोल्डन स्प्रे करने से ना इसका लुक जो है और भी बढ़ गया था। तो ये जो हमारा पहला DIY है, आई होप आपको जो है ये DIY पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से हम जो है हमारा सेकंड भी DIY जो है बॉटल से ही बनाने वाले हैं। आई होप आपको वो भी DIY जो है हमारा पसंद आ जाएगा। दोनों ही DIY हमने एकदम सिंपल तरीके से ही घर पे जो सामान हमारे अवेलेबल है उससे बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे हम देखते हैं हमारा जो है सेकंड DIY के लिए हमने यहाँ पे जो बॉटल्स यूज़ किए हैं, जो हमारी छोटी बॉटल्स आती है सॉस बॉटल, चाइनीज सॉस उसके अंदर जो आते हैं ना, रेड चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह जो आते हैं उसके बॉटल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। देखिए बॉटल्स को अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है और इनका ही आज जो है यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैं घर पे बनाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने होममेड जेसो लिया है। अगर आपको इसका जो डिटेल वीडियो चाहिए कि मैंने जेसो किस तरीके से बनाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जो है इसका डिटेल वीडियो भी बना के बताऊंगी आपको किस तरीके से आप घर पे ही जेसो वगैरह जो है चॉक पेंट जेसो घर पे ही बना सकते हैं, आपको बाहर से परचेस नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों बॉटल के ऊपर जो है जेसो अप्लाई कर देंगे स्पंज के हेल्प से। आपको इसको जो है टैप टैप करके इसको लगाना है तो इसके ऊपर जो है टेक्चर बन जाएगा जो काफ़ी सुंदर लगेगा पूरा ही होने के बाद। इस तरीके से हमने यहाँ पे जेसो के जो है दो कोड यहाँ पे लगवाए हैं। देखिए सारी बॉटल के ऊपर हम दो कोड्स यहाँ पे कर लेंगे ताकि इसके ऊपर आगे हम जो भी कलर करेंगे ना तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरीके से हमारे चारों बॉटल्स जो है यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। जेसो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था और हमने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है कलर करने वाले हैं। कलर करने के लिए अगेन मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने जो है चॉक पेंट जो है घर पे ही बनाए हैं। देखिए हमारी जो एक्रेलिक कलर आते हैं वो हमने यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। उसमें जो है आपको एक चम्मच आपकी जो POP आती है वाइट सीमेंट आपके पास जो अवेलेबल हो उसका आप वो यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दीजिए और आपका जो है चॉक पेंट घर पर ही आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको जो है जो शेड चाहिए उसमें जो है आपको अगर डार्कर चाहिए तो आप उसमें थोड़ा ब्लैक कलर ऐड कर दीजिए और उसका जो लाइट शेड चाहिए तो आप उसमें आपका वाइट कलर डाल के आप इस तरीके से ना यहाँ पे मैंने चारों शेड्स जो है घर पे ही बना लिए। मुझे थोड़े लाइट वाले कलर चाहिए थे इसलिए मैंने यहाँ पे सारे ही कलर में थोड़ा वाइट कलर ऐड करके जो कलर मुझे चाहिए था इसलिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने कलर्स बना दिए। देखिए यहाँ पे हमारा ये पिंक कलर बेबी पिंक कलर हमने सबसे पहले बॉटल के ऊपर लगा दिया और उसके बाद आप यहाँ पे ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है स्पंज के हेल्प से भी इसको टैप टैप करके यूज़ कर सकते हैं कलर को और लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको दो कोट्स दोनों चारों ही बॉटल के ऊपर आपको जो है दो कोट्स लगाने हैं ताकि इसका फिनिशिंग जो है अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कोट जो है ब्रश से किया था और जो सेकंड वाला कोट है वो मैंने यहाँ पे स्पंज के हेल्प से किया था। इस तरीके से हम चारों ही बॉटल यहाँ पे अच्छे से पेंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं फास्ट करके
क्योंकि ना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और कुछ नहीं, सिंपली आपको जो है यहाँ पे कलर ही करना है। चारों बॉटल के ऊपर हमने यहाँ पे दो कोट्स जो है अप्लाई कर दिए। सेकंड कोट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ की स्पंज के हेल्प से हम इसको टैप टैप करके सेकंड वाला जो कोट है वो अप्लाई कर रहे हैं, ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर भी इसके ऊपर टेक्चर हमें चाहिए था और वो अच्छा भी लगने वाला था। इस तरीके से हमारे चारों बॉटल यहाँ पे हमने रेडी कर दिए हैं। और इसके बाद जो है हम इसको एक दिन के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए, और सूखने के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट काम है हम इसके ऊपर करने वाले हैं। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगता हो। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए इस तरीके से ना बातों बातों में हमारी ये बॉटल्स भी यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो गई है। चारों बॉटल देखिए कलर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके ऊपर जो है आपको अगर वीडियो में देख रहा होगा तो कितना अच्छा इसके ऊपर ना एक डॉट डॉट वाला टेक्चर जो है बना है। उसके बाद ना हम इसके ऊपर जो है इसको अच्छा लुक देने के लिए और इसको जो है डस्ट से वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हमारा वार्निश। इससे क्या होगा, आपका जो क्राफ्ट है ना वो डस्ट से प्रोटेक्ट भी होगा और थोड़ा इसके ऊपर जो है शाइनिंग भी बनाया रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे वार्निश का जो है एक कोट बना देंगे। कुछ इस तरीके से आप चारों ही बॉटल के ऊपर वार्निश से पेंट कर दीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा ग्लॉसी वाला लुक इससे इसका आया था। इस तरीके से सारे बॉटल के ऊपर हम अच्छे से इसको वार्निश कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर नेक्स्ट वाला काम करेंगे। चारों ही बॉटल हमने यहाँ पे वार्निश से अच्छे से कोट कर दिए हैं। इस तरीके से हमारी चारों बॉटल यहाँ पे रेडी हो गई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड में जो हमारा जूट रोप है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। थोड़ा ये जो पोर्शन है खाली वाला अच्छा नहीं दिख रहा था, इसके लिए हम यहाँ पे जूट वाला रोप जो इसको राउंड राउंड करके यहाँ पे एक पैटर्न बना देंगे, ताकि थोड़ा लुक भी अच्छा आए और दिखने के लिए भी ये अच्छा लगे। अगर आपके पास इसका कैप होगा ना तो उसका कैप को भी आप ऐसे राउंड राउंड करके जो है ये जूट रोप लगा सकते हैं। पर मेरे पास तो चारों का कैप नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ही यहाँ पे जूट रोप जो है लगा दिया। फेविकॉल के हेल्प से भी आप इसको लगा सकते हैं, या आपके पास हॉट गम होगा तो उसके हेल्प से भी आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से जूट का जो रोप है हम पूरे ही जो ऊपर वाला कैप वाला पोर्शन है वहाँ पे अच्छे से लगा देंगे, तो उससे एक पैटर्न भी बन जाएगा और लुक भी थोड़ा अच्छा आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों बॉटल के ऊपर ये जूट वाला रोप जो है अच्छे से लगा दिया है। और ये हमारा जूट रोप इस तरीके से लग के तैयार हो गया है। चारों बॉटल के ऊपर हमने सेम तरीके से जो है यहाँ पे जूट रोप लगा दिया है। और कुछ बॉटल पूरे ही रेडी होने के बाद इस तरीके से लग रहे थे। देखिए कितना अच्छा ना ग्लॉसी लुक आया है हमारे बॉटल्स को। कोई नहीं कहेगा कि ये हमने सॉस की बॉटल यहाँ पे यूज़ किए हैं। कलर्स भी देखिए काफ़ी प्रिटी लग रहे थे, बिल्कुल भी अच्छा ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो है हमारी बॉटल सॉस की बॉटल है। और अब इसके ऊपर जो है जो भी आपको कोट लिखना है या लेटर्स लिखने हैं वो आप पेंसिल के हेल्प से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर पेन का भी यूज़ करके आप इसके ऊपर जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्कर पेन का यूज़ किया है और उसके हेल्प से यहाँ पे मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ, और उसके हेल्प से यहाँ पे मैं होम वाला जो लेटर है ना होम लिख रही हूँ। तो एक एक लेटर एक एक बॉटल के ऊपर मैं लिखूँगी, और जो ओ है उसको मैं लिखूँगी नहीं, वहाँ पर एक आधा फ्लावर वगैरह जो है आर्टिफिशियल फ्लावर यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक सुंदर सा DIY जो है रेडी हो गया है। देखिए अगर आपको इसको ना एक्रेलिक कलर से लिखना होगा ना पेंट के हेल्प से तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखना है वैसे तो इस तरीके से मार्कर पेन का यूज़ करके भी आप इसके ऊपर जो है लेटर्स लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए लिखने के बाद ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा था, और इसके ऊपर जो है कलर्स भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे, और ब्लैक कलर से ये ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्लैक पेन यूज़ किया था इसके कारण। देखिए इस तरीके से ये हमारा सेकंड DIY यहाँ पे रेडी हो गया है। आई होप आपको जो है ये DIY हमारा पसंद आया हो। इस तरीके से ना तीन बॉटल के ऊपर हमने यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, और एक बॉटल के ऊपर यहाँ पे मैं ओ वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैं स्टिक कर दूंगी फ्लावर वगैरह।
इस तरीके से हमारा सुंदर सा DIY यहाँ पे रेडी हो चुका है। आई होप आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना मत भूलिए। कैसे आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं आपके साथ काफ़ी सारे जो है फेस्टिवल वाले डेकोरेशन वाले वीडियोस लाने वाली हूँ, शॉपिंग हॉल लाने वाली हूँ, DIYs भी काफ़ी सारे लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर दीजिए। मैं वहाँ पे भी आपके साथ काफ़ी सारे जो वीडियोस वगैरह जो है फोटोज़ वगैरह आने वाले वीडियोस के शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।